लापता लोगों के मामले के कम होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में ऐसे क्राइम ना हो ऐसी उम्मीद की जा रही थी, फिर भी दो नए शिकार हुए। पुलिस क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मेरी बारी है। वो है जो शरीर को जिंदगी के आखिरी दिन तक ताकत देता है। रहस्य जो है वो मौत तक छुपा रहना चाहता है। वैम्पायर की दुनिया में खून और रहस्य के एक ही मायने हैं। खून में कहानियों के अनुभव, मनोभाव और एक वैम्पायर के रहस्य छुपे होते हैं जब तक उसका जीवन अमर रहता है। वैम्पायर्स अपने खून को सबसे खास चीज की तरह रखते हैं। खून को गंवाना मतलब रहस्यों का खुलासा हो जाना। ये रोसरिन नाम की एक वैम्पायर का 50 साल तक पीछा करने की शुरुआत है। वो वैम्पायर को मारती है और उसका खून चखती है अपनी लापता बहन के सुराग को ढूंढने के लिए। अब वो जानती है कि जिस शहर में एक वैम्पायर के ग्रुप से बहुत कुछ जुड़ा है वो शहर है बैंकॉक।
हेलो, कीबोर्ड बेच रहे हो क्या? दिखाइए। ये वाला कीबोर्ड चाहिए? हाँ, ठीक चलता है ना? अरे अच्छा कीबोर्ड है, गेमिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। रोज बेचता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत हुई तो वापस कर देना। श्योर? श्योर। ठीक है, इसमें डिस्काउंट तो मिलेगा ना? इतना सस्ता है, अब इसमें क्या डिस्काउंट दूँ? कितना सस्ता है? 500 रुपए। ये हुई ना बात। दिखने में तो अच्छा लगता है, काम भी बहुत अच्छा करेगा। फिर मिलते हैं। ओके बाय। यही है, यही वो लड़का है जो स्केचिंग करता है। हाँ। तुम्हें पता तो है ना, ये काम इतना आसान नहीं है। हाँ। हमें एक्यूरेसी चाहिए। हाँ, मुझे पता है। अगर बस स्केचिंग करनी है तो मैं ऐसे आसानी से कर सकता हूँ। तुमने कहा बस स्केचिंग? अभी तुम्हें एक ही दिन हुआ है, तुम्हें और बेहतर करना होगा। देखो, जब हमें सही सुराग मिलेंगे तभी हम अच्छे से क्रिमिनल को पकड़ पाएंगे। तुम इतना लाइटली मत लो। ये कैसा है? ये है दूसरा प्राइस। मैंने इन दोनों को बैग से बाहर भी नहीं निकाला। ओके, ठीक है, तो फिर शुरू करो। हाँ, जल्दी करो, जल्दी। तो जैसा तुम पहले बता चुकी हो, हाँ, तो वो लगभग 20 साल से कम का है ना? उसकी उम्र लगभग इतनी होगी। हाँ, सही कहा। और उसके बाल कैसे थे? उसके बाल बहुत उलझे हुए थे, लंबे लंबे। और अच्छा? यहाँ, हाँ सर, बहुत ही लंबे बाल कंधे थे, तक थे। कंधे तक। और उसकी आंखें कैसी थी? उसकी आंखें एकदम काली थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी या फिर उसकी आंखों के घेरे भी काले थे? मेरा मतलब कि जैसे ठीक से ना सोने वालों की होती है या ड्रग एडिक्ट की होती है। थकी सी आंखें थी सर। और उसकी गंध कैसी थी? ये क्या कुछ भी पूछ रहा है? कोई पिंपल था क्या? शायद पिंपल तो नहीं थे, लेकिन हाँ, उसकी गर्दन पे बाईं ओर यहाँ पे एक निशान था, बिल्कुल डार्क। तुम्हें याद है कि उसका आकार किस तरह का था? एक ग्रिल जैसा, स्क्वायर के आकार का ग्रिल। बस हो गया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सार्जेंट। खैर, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, मुझे लगता है कि वो चोर बहुत ही चालाक किस्म का है और हमसे बचने की कोशिश कर रहा है। उसने जो चुराया है वो है Core i7, या हम उसे हाइपर रेजर कीबोर्ड भी कह सकते हैं। उसके बारे में कुछ लोग ही जानकारी रखते हैं, और उसके उलझे हुए बाल और उसके शरीर की गंध, ऐसा लगता है कि वो अपना ख्याल नहीं रखता होगा। आगे बताओ। मुझे लगता है कि वो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन या फिर कोई गेमर होगा। वो एक बेरोजगार गेमर हो सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको गेम सेंटर जाना चाहिए। सबसे तेज इंटरनेट वहीं होता है। गेमर लोग इंटरनेट की स्पीड पर हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वहां जाकर कोशिश करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे तुम ही एक पुलिस वाले हो, क्यों? सही कहा ना? मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था। एक्चुअली मुझे भी गेम खेलना बहुत पसंद है ना। ओके, ये लो, ये तुम्हारी फीस है। मैं तुम्हें काम के लिए दोबारा बुलाऊंगा। जी, शुक्रिया। ओके, तुम जा सकते हो। हाँ, ओके, नहीं तो लेट हो जाओगे। ये भी अपने साथ ले जाओ। हाँ बिल्कुल। जरा देखा ना, एकदम परफेक्ट बनाया है। टैलेंटेड है। हेलो सार्जेंट, वो स्केच वाला आदमी यहाँ ब्रिज के पास एक गली के कोने में मुझे दिखाई दिया है। हाँ जी, हाँ जी। कौन है बे तू? मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक कीबोर्ड चोर हो, है ना? ए, मुंह बंद रख, मेरा पीछा मत करना। ए रोक,
मुझे तेरा टैटू अच्छी तरह याद है, अभी सरेंडर कर। तुझे मैं चोर दिख रहा हूं? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाता हूं। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता आप मुझे कितना जानते हैं। मेरा नाम है अमन, मैं एक आईटी वर्कर या यूं कहें कि मैं एक टेक्नीशियन हूं। मुझे एक ऑफिस कंप्यूटर टेक्नीशियन कहना ज्यादा सही रहेगा। मैं उलझनों में पढ़ता रहता हूं, मैं चित्रकारी में अच्छा हूं, आसपास की चीजों का ध्यान रखता हूँ, कहानियों को जोड़ने में माहिर हूँ। मैं अपनी ऐसी बोरिंग लाइफ में भी रोमांच ढूंढ लेता हूँ, और ये भी एक ऐसी उलझन थी जिसने मुझे रोमांचित किया, भले ही ये थोड़ा बहुत खतरे से भरा हुआ था। क्या तूने न्यूज़ देखी? एक और आदमी लापता हो गया है। एक और? हाँ सच में। दो आदमी पिछले महीने और दो आदमी इस महीने, ऐसे तो चार आदमी गायब हो गए। ये क्या हो रहा है हमारे ऑफिस में? डर लग रहा है मुझे। हाँ सही कहा, ऐसा लग रहा है कि ये कोई सीरियल किलर है। सच में? एक सीरियल किलर? हाँ सीरियल किलर है। क्या कहीं नॉप तो नहीं? वो भी हो सकता है। क्या? उस पे इल्जाम मत लगाओ। हे, लगता है वो आ रहा है। कितनी लंबी उम्र है इसकी। देखो कैसे कर रहा है वो, ये जरूर कहीं गिरा होगा। हाँ सही कहा। सॉरी, ये चश्मा पहन के भी अंधा हो गया। सॉरी यार, मैंने तुम्हें आते हुए नहीं देखा। तुम इसे बदबू आ रही है। अरे कहाँ थे तुम? बहुत गंदे कपड़े पहने हो। मैंने एक क्रिमिनल को अरेस्ट करवाया था। अरेस्ट करवाया? गेम में ना? कौन सा गेम खेल रहे थे? वैसे ये कभी बोर नहीं होता है क्या? ये तो हमेशा का ही है। एक्सक्यूज मी। हे, रुको। क्या तुम्हें पता है पूरे ऑफिस में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है? अब बताओ कि तुम सच में कहां थे? सही कहा। अरे जल्दी से सच्चाई बता दो। मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मेरे और अपने कपड़े देखो जरा। अरे दोनों में कितना अंतर है, तुम्हें खुद को बदलना होगा। थोड़ा अच्छे कपड़े पहना करो ताकि लोग तुमसे प्यार करें। समझ गए अमन? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। मैं इस आदमी का मुंह बंद करने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूं। आपको पता है किसी की बहुत ज्यादा बकवास सुनने के बाद क्या होता है? सामने वाले पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये क्या हो रहा है मिस्टर सुचार्ट? बस कुछ नहीं। और तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो? बॉस बॉस बॉस।
मैं बताऊं क्या? अमन पता है, अगर मैं नहीं होता तो आज तेरी बच जाती। ओ हाँ, इसलिए तो मैं तेरा इतना ख्याल रखता हूँ। हाँ सही कहा। तुझे पता है क्या, ऑफिस में वो हमें बहुत गंदी तरह से ट्रीट करता है, लेकिन तू फिर भी कूल रहता है, मैंने देखा है। जो भी हो, तुझे हमेशा ऐसे ही कूल रहना चाहिए और कभी शो ऑफ मत करना। बस तू कभी अपने आप को टफ मत बनाना। अरे चुप कर, ऐसे बोल बोल के मेरा दिमाग खराब मत कर। तो शिल्पा, तुम्हें यहाँ का खाना कैसा लगा? अगली बार मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जाऊंगा, वहाँ का खाना और भी टेस्टी है। हाय, यकीन है तुम्हें, एक नई डिजिटल कंटेंट मेकर यार, वहाँ मेरे साथ चलना चाहिए, मजा आएगा। देखो तो जरा, कॉफी पियूंगी, कॉफी के साथ और कुछ? अरे चलना, जरा देखते हैं। कहाँ? अरे आना, नहीं तो चली जाएगी वो। जल्दी जल्दी तो सही। अरे चलना, क्या लोगी? अरे तुम जवाब नहीं दे रही हो, नाराज हो क्या तुम मुझसे? अरे बोलो तो सही, अरे बता दो ना, अगर तुम्हें कुछ समझना है तो मुझे बता सकती हो तुम। अरे टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माफ कीजिएगा, क्या मैं अपना काम कर सकती हूँ? अरे जरा उसको देख, बेचारा नीला पड़ गया। ओके कोई बात नहीं। देखो ना क्या बोल रही है। उसका नाम क्या है? इसका नाम शिल्पा है। क्या बात है, शिल्पा, कितना खूबसूरत नाम है। पता नहीं क्यों उस पर से मेरा ध्यान हट ही नहीं रहा है, और पता नहीं किस वजह से मैं रोजलिन का फैन बन गया हूं। क्या हुआ? चला गया। मार नहीं सकते। यहां कोई पुलिस वाले नहीं है, सिर्फ मैं हूं और तुम हो। अरे नहीं,
उम्मीद से मारेगा। क्या हुआ तुम्हें? हमें डील करना था। हे, कहाँ भाग रहा है? वो भी हमसे बचकर। मैं सरेंडर कर रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ मैं। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे मत मारना। रुको, गोली मत चलाना। हथकड़ी पहना दो, मुझे अरेस्ट करो प्लीज, मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे हथकड़ी पहना दो, जल्दी करो, मुझे अरेस्ट कर लो। शाड़ा मत बन, समझा? ये मुक्का लोगों का टैक्स चुराने के लिए था। और ये जो तूने गोली चलाई उसके लिए। सुन, तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से मेरी नींद हराम हुई है। कमीने कहीं के, उठ उठ उठ। नहीं। और ये उन बेकसूरों के लिए है जो जेल में हैं। तुम फिर आ गई? अब तुम्हें यहां आने किसने दिया? हाँ, तुम अभी इसके लायक नहीं हो। और हाँ, एक और बात, हम दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मैं समझ गई, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। और मुझे यकीन है कि आप और मैं बहुत जल्दी एक ही डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाले हैं। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूं। पर क्यों? क्यों? क्या मतलब? हम अभी इतने क्लोज नहीं है, इसलिए मुझे इतनी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। और क्या सोच के पुलिस में आ गई? इतनी नाजुक बॉडी के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ पाओगी? जाओ और कुछ और करो। अभी तुम जो चाहे कह लो, लेकिन ये याद रखना कि मैं कभी भी हार नहीं मानने वाली हूं, समझे तुम? तुमने जो कहा वो मेरे लिए रुकावट है जिसको मुझे पार करना है। फिर तुम जान जाओगे कि जो भी मैंने किया वो सही किया। ओके। अच्छा सुनिए, इस क्रिमिनल को सीन से बाहर लेकर जाइए, ठीक है? यस सर। ए, चल चल, उठ उठ उठ, चल। ए, तुम यहां क्यों खड़े हो? जाओ यहां से, मुझे फोन पे बात करनी है। ओके सीनियर। सही वक्त पे फोन किया सर, ये केस क्लोज हो चुका है, लगता है अब मुझे भी छुट्टी ले लेनी चाहिए। सॉरी, तुम नहीं जा सकते, हमारे पास एक और नया केस है, एक आदमी लापता हो चुका है। मैं चाहता हूं कि इस केस को तुम ही हैंडल करो। एक मिसिंग पर्सन का केस? ये आप दूसरे डिपार्टमेंट को भी तो दे सकते हैं। ये केस इतना आसान नहीं है, मुझे इसके लिए बेस्ट ऑफिसर चाहिए। मुझे लगता है इस काम के लिए तुम बिल्कुल सही हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे एक सीरियल किलर का केस नजर आ रहा है? एक सीरियल किलर? हाँ, जब सभी का ध्यान इस वक्त सीरियल किलर और आसपास के लापता लोगों पर है, उस वक्त भी मेरा ध्यान सिर्फ एक ही शख्स पर है, शिल्पा। मामूली सी चीजें भी, जैसे उसका काम करना, टाइपिंग, चलना, वो जो कुछ भी करती है वो सब मुझे स्पेशल लगता है।
क्या मैं थोड़ी चीनी ले सकती हूँ? वाह, कितनी प्यारी आवाज है। कितने पैकेट चाहिए? चार। चार पैकेट, चार पैकेट। ये लो, इसकी परफ्यूम तो कमाल की है। मुझे पहले कभी इतनी कमाल की खुशबू नहीं मिली। तुम कौन सा म्यूजिक सुनते हो? मैं सुनता हूँ। मैं ये सुनोगे? पता नहीं मुझे क्या हो गया। हम लोगों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी बहन हो। चलो जो भी है, मुद्दे पे आते हैं। एक्चुअली मेरे घर में पार्टी है, तुम आओगी क्या? मेरा मतलब तुम आओगी तो मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मम्मी पापा देख के चौंक जाएंगे कि उनकी दूसरी बेटी कहाँ से आ गई। जो कुछ भी शिल्पा करती है वो अगर स्पेशल ना भी हो तो फिर भी पता नहीं कि वो मेरे लिए स्पेशल है। ऐसा लगता है वो बिना किसी से मतलब रखे अपना काम कर रही है और अपनी जिंदगी जी रही है। वो यहाँ के बाकी लोगों से बहुत अलग है, जो खुद को दूसरों से अलग बनाने की और आकर्षक बनने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उन्हें अपना सके। अच्छा सुनो दोस्तों, मैं तुम लोगों को एक मस्त पार्टी देने वाला हूँ। मेरे अंकल का जो फार्म हाउस है ना, उसमें दूंगा। अरे तुम्हारे हाथ में तो नहीं लगी ना? नहीं, सब ठीक है। आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई ना? नहीं, कोई बात नहीं। बॉस, आपने जानबूझ के थोड़ी किया था। देखो तुम बुरा मत मानना, वो तुम्हें सन की कह रहा था। ओ, कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम सच में सन की हो तो भी। हाँ। अरे मजाक कर रही हूँ। मुझे लगता है बॉस, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बहुत काम बाकी है। कितनी बार समझाया है, जब आप अकेले हो तो मुझे बॉस मत बुलाना। मेरे नाम से मुझे बुलाओ, बुलाओ ना मेरे नाम से, बुलाओ ना। वैसे तो फिर आप ही बताइए कि मैं आपको क्या बोलूं। ए, काम खत्म हो गया तो जाना नहीं है तुझे? मैं अपना काम चेक कर रहा हूं यार। तो क्या तू मेरे साथ नहीं आएगा? मैं कुछ देर कैफे में रुकूंगा। तू जा, मैं बाद में आता हूं। ठीक है तो मैं जा रहा हूं। हे, ओके, मिलते हैं। ठीक है।
सारी बॉडीज में प्लेटलेट्स का स्टेट एक ही है। और सब जगह एक जैसे ही सिंबल्स हैं। हाय मीनू, तुम अब तक गई नहीं? वो क्या है ना, ये मेरी फ्रेंड की बच्ची है। ओह, तो मुझे इसके घर छोड़ के आना है। अगर तुम उस तरफ जा रही हो तो हम साथ चल सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं वहां तक छोड़ दूंगा, रात बहुत हो गई है तो। कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। मेरा कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो। तुम चिंता मत करो, मैं इसे खुद लेकर चली जाऊंगी। ओके, थैंक यू। चलो चलो बेबी, ध्यान रखना। ओके, चलो बेटा। ओके बाय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या बात है ना। हां, अपनी फ्लैश ड्राइव डेस्क पर छोड़ देना। हां हां, मैं उसे ले जाऊंगा। ओके ओके ओके, उसे छोड़ देना। क्या मैं थोड़ी चीनी ले सकती हूँ? कितने पैकेट चाहिए? चार। ये लो।
ये तो क्रिमिनल है। अमन, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? शिल्पा, क्या तुम एक खूनी हो? तुमने उसे मार डाला। नॉप, देखो समझने की कोशिश। मेरे पास मत आना। मेरे पास अभी समझाने का वक्त नहीं है। नॉप, क्या कर रहे हो? चलना होगा। वो सब कौन है? वो राक्षस है क्या? वैम्पायर। वैम्पायर? तो तुम क्या हो? मैं भी एक वैम्पायर हूं। अगर तुम गए तो मैं तुम्हें बाइट दूंगी।
बाइट बाइट करोगी? मुझे भी अपनी तरह एक वैम्पायर बनाओगी क्या? बाइट दो तरह की होती है, पहली वाली मारने के लिए और दूसरी होती है अपना गुलाम बनाने के लिए। खुद चूज कर लो क्या चाहिए तुम्हें। दोनों ही अच्छी चॉइस नहीं लग रही हैं। कोई तीसरी चॉइस नहीं है क्या? मैं तुम्हें यहां इसलिए लेकर आई क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? देखो, ये घाव जो तुम देख रहे हो ये साधारण इंसान के लिए जानलेवा है, लेकिन अगर वैम्पायर हो तो ये घाव बस 6 घंटे में भर जाता है और इन 6 घंटों में मैं कमजोरी से बेहोश हो जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी सुरक्षा करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूं? उम्मीद है वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। वो कौन है? वो जादूगर। No.
आराम से, ऐसा मत करो। बच्चों वाला जादू मुझ पे नहीं चलेगा। कीबोर्ड बेच रहे हो क्या? दिखाइए। ये वाला कीबोर्ड चाहिए? हाँ, ठीक चलता है ना? अरे अच्छा कीबोर्ड है, गेमिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। रोज बेचता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत हुई तो वापस कर देना। श्योर? श्योर। ठीक है, इसमें डिस्काउंट तो मिलेगा ना? इतना सस्ता है, अब इसमें क्या डिस्काउंट दूँ? कितना सस्ता है? 500 रुपए। ये हुई ना बात। दिखने में तो अच्छा लगता है, काम भी बहुत अच्छा करेगा। फिर मिलते हैं। ओके बाय। यही है, यही वो लड़का है जो स्केचिंग करता है। हाँ। तुम्हें पता तो है ना ये काम इतना आसान नहीं है। हाँ। हमें एक्यूरेसी चाहिए। हाँ मुझे पता है। अगर बस स्केचिंग करनी है तो मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। हे, तुमने कहा बस स्केचिंग? अभी तुम्हें एक ही दिन हुआ है, तुम्हें और बेहतर करना होगा। देखो जब हमें सही सुराग मिलेंगे तभी हम अच्छे हाँ। से क्रिमिनल को पकड़ पाएंगे। तुम इतना लाइटली मत लो। ये कैसा है? ये है दूसरा प्राइस। मैंने इन दोनों को बैग से बाहर भी नहीं निकाला। ओके ठीक है, तो फिर शुरू करो। हाँ जल्दी करो जल्दी। तो जैसा तुम पहले बता चुकी हो, हाँ तो वो लगभग 20 साल से कम का है ना? उसकी उम्र लगभग इतनी होगी। हाँ सही कहा। और उसके बाल कैसे थे? उसके बाल बहुत उलझे हुए थे, लंबे लंबे। और अच्छा। यहाँ हाँ सर, बहुत ही लंबे बाल कंधे तक थे। कंधे तक। और उसकी आंखें कैसी थी?
उसकी आंखें एकदम काली थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी या फिर उसकी आंखों के घेरे भी काले थे? मेरा मतलब कि जैसे ठीक से ना सोने वालों की होती हैं या ड्रग एडिक्ट की होती हैं। थकी सी आंखें थी सर। और उसकी गंध कैसी थी? ये क्या कुछ भी पूछ रहा है? कोई पिंपल था क्या? शायद पिंपल तो नहीं थे, लेकिन हाँ उसकी गर्दन पे बाईं ओर यहाँ पे एक निशान था, बिल्कुल डार्क। तुम्हें याद है कि उसका आकार किस तरह का था? एक ग्रिल जैसा, स्क्वायर के आकार का ग्रिल। बस हो गया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सार्जेंट। खैर, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, मुझे लगता है कि वो चोर बहुत ही चालाक किस्म का है और हमसे बचने की कोशिश कर रहा है। उसने जो चुराया है वो है कोर i7, या हम उसे हाइपर रेजर कीबोर्ड भी कह सकते हैं। उसके बारे में कुछ लोग ही जानकारी रखते हैं, और उसके उलझे हुए बाल और उसके शरीर की गंध, ऐसा लगता है कि वो अपना ख्याल नहीं रखता होगा। आगे बताओ। मुझे लगता है कि वो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन या फिर कोई गेमर होगा। वो एक बेरोजगार गेमर हो सकता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको गेम सेंटर जाना चाहिए। सबसे तेज़ इंटरनेट वहीं होता है। गेमर लोग इंटरनेट की स्पीड पर हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वहां जाकर कोशिश करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे तुम ही एक पुलिस वाले हो, क्यों? सही कहा ना? मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था। एक्चुअली मुझे भी गेम खेलना बहुत पसंद है ना। ओके, ये लो, ये तुम्हारी फीस है। मैं तुम्हें काम के लिए दोबारा बुलाऊंगा। जी शुक्रिया। ओके, तुम जा सकते हो? हाँ, ओके। नहीं तो लेट हो जाओगे। ये भी अपने साथ ले जाओ। हाँ बिल्कुल। जरा देखा ना, एकदम परफेक्ट बनाया है। टैलेंटेड है। हेलो सार्जेंट, वो स्केच वाला आदमी यहाँ ब्रिज के पास एक गली के कोने में मुझे दिखाई दिया है। हाँ जी, हाँ जी। कौन है बे तू? मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें कीबोर्ड चोर हो, है ना? ए, मुंह बंद रख, मेरा पीछा मत करना। ए रोक, मुझे तेरा टैटू अच्छी तरह याद है, अभी सरेंडर कर। तुझे मैं चोर दिख रहा हूं? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाता हूं। I'm sorry. मुझे नहीं पता आप मुझे कितना जानते हैं। मेरा नाम है अमन, मैं एक IT वर्कर, या यूं कहें कि मैं एक टेक्नीशियन हूं। मुझे एक ऑफिस कंप्यूटर टेक्नीशियन कहना ज्यादा सही रहेगा। मैं उलझनों में पढ़ता रहता हूं। मैं चित्रकारी में अच्छा हूं, आसपास की चीजों का ध्यान रखता हूँ, कहानियों को जोड़ने में माहिर हूँ। मैं अपनी ऐसी बोरिंग लाइफ में भी रोमांच ढूंढ लेता हूँ, और ये भी एक ऐसी उलझन थी जिसने मुझे रोमांचित किया, भले ही ये थोड़ा बहुत खतरे से भरा हुआ था। Mm-hmm.
क्या तूने न्यूज देखी? एक और आदमी लापता हो गया है। एक और? हाँ सच में। दो आदमी पिछले महीने और दो आदमी इस महीने, ऐसे तो चार आदमी गायब हो गए। ये क्या हो रहा है हमारे ऑफिस में? डर लग रहा है मुझे। हाँ सही कहा, ऐसा लग रहा है कि ये कोई सीरियल किलर है। सच में? एक सीरियल किलर? हाँ सीरियल किलर है। क्या कहीं नॉप तो नहीं? हाँ वो भी हो सकता है। क्या उस पर इल्जाम मत लगाओ। हे लगता है वो आ रहा है। कितनी लंबी उम्र है इसकी। देखो देखो कैसे कर रहा है वो, ये जरूर कहीं गिरा होगा। हाँ सही कहा। सॉरी ये चश्मा पहन के भी अंधा हो गया। सॉरी यार मैंने तुम्हें आते हुए नहीं देखा। तुम्हें से बदबू आ रही है। अरे कहाँ थे तुम? बहुत गंदे कपड़े पहने हो। मैंने एक क्रिमिनल को अरेस्ट करवाया था। अरेस्ट करवाया गेम में ना? कौन सा गेम खेल रहे थे? वैसे ये कभी बोर नहीं होता क्या? ये तो हमेशा का ही है। एक्सक्यूज मी। हे रुको, क्या तुम्हें पता है पूरे ऑफिस में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है? अब बताओ कि तुम सच में कहां थे। सही कहा। अरे जल्दी से सच्चाई बता दो। मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मेरे और अपने कपड़े देखो जरा। अरे दोनों में कितना अंतर है। तुम्हें खुद को बदलना होगा। थोड़ा अच्छे कपड़े पहना करो ताकि लोग तुमसे प्यार करें। समझ गए अमन? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। मैं इस आदमी का मुंह बंद करने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूं। आपको पता है किसी की बहुत ज्यादा बकवास सुनने के बाद क्या होता है? सामने वाले पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये क्या हो रहा है मिस्टर सुचार्ट? बस कुछ नहीं। और तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो? बॉस 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 मैं बताऊं क्या? अमन पता है अगर मैं नहीं होता तो आज तेरी बच जाती। ओ हाँ इसलिए तो मैं तेरा इतना ख्याल रखता हूँ। हाँ सही कहा। तुझे पता है क्या ऑफिस में वो हमें बहुत गंदी तरह से ट्रीट करता है लेकिन तू फिर भी कूल रहता है। मैंने देखा है। जो भी हो तुझे हमेशा ऐसे ही कूल रहना चाहिए और कभी शो ऑफ मत करना। बस तू कभी अपने आप को टफ मत बनाना। अरे चुप कर, ऐसे बोल बोल के मेरा दिमाग खराब मत कर। तो शिल्पा तुम्हें यहाँ का खाना कैसा लगा? अगली बार मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जाऊंगा, वहाँ का खाना और भी टेस्टी है। हाय यकीन है तुम्हें। एक नई डिजिटल कंटेंट मेकर यार, वहाँ मेरे साथ चलना चाहिए, मजा आएगा। देखो तो जरा कॉफी पियोगी? कॉफी के साथ और कुछ? अरे चलना जरा देखते हैं। कहाँ? अरे आना नहीं तो चली जाएगी वो। जल्दी जल्दी तो सही। अरे चलना क्या लोगी? अरे तुम जवाब नहीं दे रही हो, नाराज हो क्या तुम मुझसे? अरे बोलो तो सही। अरे बता दो ना, अगर तुम्हें कुछ समझना है तो मुझे बता सकती हो तुम। अरे टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माफ कीजिएगा, क्या मैं अपना काम कर सकती हूँ? अरे जरा उसको देख, बेचारा नीला पड़ गया। ओके कोई बात नहीं। देखो ना क्या बोल रही है। उसका नाम क्या है? इसका नाम शिल्पा है। क्या बात है, शिल्पा कितना खूबसूरत नाम है। पता नहीं क्यों उस पर से मेरा ध्यान हट ही नहीं रहा है और पता नहीं किस वजह से मैं रोजलिन का फैन बन गया हूं। Okay.
क्या हुआ? चला गया। मुझे मार नहीं सकते। यहाँ कोई पुलिस वाले नहीं है, सिर्फ मैं हूं और तुम हो। अरे नहीं। ए, रोक। क्या हुआ तुम्हें? हमें डील करना था। कहाँ भाग रहा है? वो भी हमसे बचकर। मैं सरेंडर कर रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ मैं। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे मत मारना। रुको, गोली मत चलाना। हथकड़ी पहना दो, मुझे अरेस्ट कर लो प्लीज, मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे हथकड़ी पहना दो, जल्दी करो, मुझे अरेस्ट कर लो। शाड़ा मत बन, समझा? ये मुक्का लोगों का टैक्स चुराने के लिए था। और ये जो तूने गोली चलाई उसके लिए। सुन, तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से मेरी नींद हराम हुई है। कमीने कहीं के। उठ उठ उठ। नहीं। और ये उन बेकसूरों के लिए है जो जेल में हैं। तुम फिर आ गई? अब तुम्हें यहां आने किसने दिया? हाँ, तुम अभी इसके लायक नहीं हो। और हाँ, एक और बात, हम दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मैं समझ गई, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। और मुझे यकीन है कि आप और मैं बहुत जल्दी एक ही डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाले हैं। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूं। पर क्यों? क्यों क्या मतलब? हम अभी इतने क्लोज नहीं है, इसलिए मुझे इतनी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। और क्या सोच के पुलिस में आ गई?
इतनी नाजुक बॉडी के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ पाओगी? जाओ और कुछ और करो। अभी तुम जो चाहे कह लो, लेकिन ये याद रखना कि मैं कभी भी हार नहीं मानने वाली हूँ, समझे तुम? तुमने जो कहा वो मेरे लिए रुकावट है जिसको मुझे पार करना है। फिर तुम जान जाओगे कि जो भी मैंने किया वो सही किया। ओके। अच्छा सुनिए, इस क्रिमिनल को सीन से बाहर लेकर जाइए, ठीक है? यस सर। ए, चल चल उठ उठ चल। ए, तुम यहां क्यों खड़े हो? जाओ यहां से, मुझे फोन पे बात करनी है। ओके सीनियर। सही वक्त पे फोन किया सर, ये केस क्लोज हो चुका है। लगता है अब मुझे भी छुट्टी ले लेनी चाहिए। सॉरी तुम नहीं जा सकते, हमारे पास एक और नया केस है। एक आदमी लापता हो चुका है, मैं चाहता हूं कि इस केस को तुम ही हैंडल करो। एक मिसिंग पर्सन का केस? ये आप दूसरे डिपार्टमेंट को भी तो दे सकते हैं। ये केस इतना आसान नहीं है, मुझे इसके लिए बेस्ट ऑफिसर चाहिए। मुझे लगता है इस काम के लिए तुम बिल्कुल सही हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे एक सीरियल किलर का केस नजर आ रहा है? एक सीरियल किलर? हाँ। जब सभी का ध्यान इस वक्त सीरियल किलर और आसपास के लापता लोगों पर है, उस वक्त भी मेरा ध्यान सिर्फ एक ही शख्स पर है, शिल्पा। मामूली सी चीजें भी, जैसे उसका काम करना, टाइपिंग, चलना, वो जो कुछ भी करती है वो सब मुझे स्पेशल लगता है। क्या मैं थोड़ी चीनी ले सकती हूँ? वाह, कितनी प्यारी आवाज है। कितने पैकेट चाहिए? चार। चार पैकेट? चार पैकेट। ये लो, इसकी परफ्यूम तो कमाल की है, मुझे पहले कभी इतनी कमाल की खुशबू नहीं मिली। कौन सा म्यूजिक सुनते हो? मैं सुनता हूं, मैं ये सुनोगे? पता नहीं मुझे क्या हो गया। हम लोगों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी बहन हो। चलो जो भी है, मुद्दे पे आते हैं। एक्चुअली मेरे घर में पार्टी है, तुम आओगी क्या? मेरा मतलब तुम आओगी तो मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मम्मी पापा देख के चौंक जाएंगे कि उनकी दूसरी बेटी कहां से आ गई। जो कुछ भी शिल्पा करती है
वो अगर स्पेशल ना भी हो तो फिर भी पता नहीं कि वो मेरे लिए स्पेशल है। ऐसा लगता है वो बिना किसी से मतलब रखे अपना काम कर रही है और अपनी जिंदगी जी रही है। वो यहाँ के बाकी लोगों से बहुत अलग है, जो खुद को दूसरों से अलग बनाने की और आकर्षक बनने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उन्हें अपना सके। अच्छा सुनो दोस्तों, मैं तुम लोगों को एक मस्त पार्टी देने वाला हूँ। मेरे अंकल का जो फार्म हाउस है ना, उसमें दूंगा। अरे तुम्हारे हाथ में तो नहीं लगी ना? नहीं सब ठीक है। आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई ना? नहीं कोई बात नहीं, बॉस आपने जानबूझ के थोड़ी किया था। देखो तुम बुरा मत मानना, वो तुम्हें सन की कह रहा था। ओ कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम सच में सन की हो तो भी। हाँ। अरे मजाक कर रही हूँ। मुझे लगता है बॉस मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बहुत काम बाकी है। कितनी बार समझाया है, जब आप अकेले हो तो मुझे बॉस मत बुलाना, मेरे नाम से मुझे बुलाओ, बुलाओ ना मेरे नाम से, बुलाओ ना। वैसे तो फिर आप ही बताइए कि मैं आपको क्या बोलूं। ए, काम खत्म हो गया तो जाना नहीं है तुझे? मैं अपना काम चेक कर रहा हूं यार। तो क्या तू मेरे साथ नहीं आएगा? मैं कुछ देर कैफे में रुकूंगा। तू जा, मैं बाद में आता हूं। ठीक है तो मैं जा रहा हूं। हे ओके, मिलते हैं। ठीक है। सारी बॉडीज में प्लेटलेट्स का स्टेट एक ही है। और सब जगह एक जैसे ही सिंबल्स हैं।
बेबी। नहीं इधर आओ, मेरे पास आओ। हाय मीनू, तुम अब तक गई नहीं? वो क्या है ना, ये मेरी फ्रेंड की बच्ची है। ओ। तो मुझे इसके घर छोड़ के आना है। अगर तुम उस तरफ जा रही हो तो हम साथ चल सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं वहां तक छोड़ दूंगा, रात बहुत हो गई है तो। कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। मेरा कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो। तुम चिंता मत करो, मैं इसे खुद लेकर चली जाऊंगी। ओके, थैंक यू। चलो चलो बेबी, ध्यान रखना। चलो okay? बेटा बाय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या बात है ना। अपनी फ्लैश ड्राइव डेस्क पर छोड़ देना। हाँ हाँ मैं उसे ले जाऊंगा। ओके ओके ओके, उसे छोड़ देना। क्या मैं थोड़ी चीनी ले सकती हूँ? कितने पैकेट चाहिए? चार। ये लो। क्रिमिनल है, अमन तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? शिल्पा क्या तुम एक खूनी हो? तुमने उसे मार डाला। नॉप, देखो समझने की कोशिश। मेरे पास मत आना। मेरे पास अभी समझाने का वक्त नहीं है। नॉप, yeah।
चलना होगा। तो वो सब कौन है? वो राक्षस है क्या? वैम्पायर। वैम्पायर? तो तुम क्या हो? मैं भी एक वैम्पायर हूं। अगर तुम गए तो मैं तुम्हें बाइट दूंगी। बाइट बाइट करोगी? मुझे भी अपनी तरह एक वैम्पायर बनाओगी क्या? बाइट दो तरह की होती है। पहली वाली मारने के लिए और दूसरी होती है अपना गुलाम बनाने के लिए। खुद चूज कर लो क्या चाहिए तुम्हें। दोनों ही अच्छी चॉइस नहीं लग रही है। कोई तीसरी चॉइस नहीं है क्या? मैं तुम्हें यहां इसलिए लेकर आई क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? देखो, ये घाव जो तुम देख रहे हो ये साधारण इंसान के लिए जानलेवा है, लेकिन अगर वैम्पायर हो तो ये घाव बस 6 घंटे में भर जाता है और इन 6 घंटों में मैं कमजोरी से बेहोश हो जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी सुरक्षा करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूं? उम्मीद है वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। वो कौन है? वो जादूगर।
हेलो आराम से ऐसा मत करो वाला जादू मुझ पे नहीं चलेगा शिकवा है ना
आशिका।